दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं सुमो टैबलेट के बारे में, ये क्या काम में आती है और जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने इयर्स कितने साल के व्यक्ति को इसका यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार सुमो टैबलेट का यूज करना चाहिए और जानेंगे इसकी पैकिंग के बारे में, ये कितने टैबलेट की पैकिंग में ही आती है और जानेंगे साथ ही साथ इसके कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है और जानेंगे हम इसके MRP प्राइस के बारे में, इसका MRP प्राइस क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं यानी आपका दोस्त राजेश आपको सुमो टैबलेट की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा हो उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं सुमो टैबलेट के बारे में, ये क्या काम में आती है। सुमो टैबलेट डॉक्टर के लिखे पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है, इसका इस्तेमाल खास तौर से और ये एक पेन किलर मेडिसिन, इसका इस्तेमाल खास तौर से रूमेटाइटिस, आर्थराइटिस, एकिलोसिंग स्पंडलाइटिस और आर्थराइटिस स्पंडलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, सर्वाइकल गर्दन में दर्द होना या कान में दर्द होना, किसी भी कारण कान में दर्द होना, नाक में फोड़ा निकल आना या फुंसी निकल आना तो उसके कारण दर्द होना, गले में दर्द होना, बुखार आना, मसल्स में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, मसल्स में चोट लगने के कारण दर्द होना, पीठ में दर्द होना, दाढ़ या दांत में दर्द होना, किसी भी जोड़ में चोट लगने के कारण दर्द होना, सिर में दर्द होना, हाथ या पैरों में दर्द होना, ऐंठन होना, मानसिक धर्म के दौरान दर्द होना। दिस ए इन्फ्लामेंट पेन मेडिसन, यह एक इन्फ्लामेंट दर्द निवारक दवा है जो कि किसी भी जोड़ में दर्द, चोट लगने के कारण सूज जाना या दर्द होना। तो दोस्तों हम इस कंडीशन में सुमो टैबलेट का यूज हम करते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने इयर्स कितने साल के व्यक्ति को इसका यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार सुमो टैबलेट का यूज करना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए दोस्तों सुमो टैबलेट का यूज करना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए दोस्तों 15 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक एक टैबलेट सुबह और शाम खाना खाने के बाद ताजा पानी के अनुसार या दूध के अनुसार सुमो टैबलेट का यूज करना चाहिए और बाकी का आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इसका यूज करना चाहिए। और दोस्तों जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसका साइड इफेक्ट क्या है। दोस्तों आप जो भी कुछ कॉमन मेडिसिन लेते हैं उसके भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसका साइड इफेक्ट है जैसे कि डायरिया बनना, दस्त लगना, उल्टी होना या जी मिचलाना, पेट में गैस बनना या अपच होना, आपको ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं हो रहा है तो आप इसका यूज करना तुरंत ही बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह दें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, सुमो टैबलेट का साल्ट क्या है, इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसका साल्ट है निमोसुलाइट 100 mg एंड पैरासीटामोल 325 mg टैबलेट, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका साल्ट है। और दोस्तों जान लेते हैं इसके पैकिंग के बारे में, ये कितने टैबलेट की पैकिंग में ही आती है, ये आती है दोस्तों वन स्टेप की बात की जाए तो दोस्तों आती है 1 x 15 टैबलेट की पैकिंग में ही आती है। और दोस्तों पूरे बॉक्स की बात की जाए तो ये आती है दोस्तों 10 x 15 टैबलेट, 150 टैबलेट की पैकिंग में ही आती है। और जान लेते हैं साथ ही साथ इसकी कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है, इसको बनाती है दोस्तों मार्केटेड इन इंडिया बाय अलकेम हेल्थ केयर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, अलकेम लेबोरेटरीज इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। और दोस्तों जान लेते हैं इसकी MRP प्राइस के बारे में, इसका MRP प्राइस क्या है, इसका MRP प्राइस है दोस्तों 115 rupees 60 paise, ये इसका MRP प्राइस है। आपको ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है, आप इसको सुमो टैबलेट के नाम से आप इसको सभी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आप इसको लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी नई नई वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मेडिसिन नॉलेज को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए द मेडिसिन नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।